यादव ने सातवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और उनके मंत्रिमंडल में आप शामिल हुई, आज उप मुख्यमंत्री आपको बनाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। पिछली बार भी मुझे काम करने का मौका मिला था, आपको याद होगा कि 2007 में मैं कला संस्कृति मंत्री थी, भाई नितिन जी की सरकार में मैं कला संस्कृति काम किया। अच्छा, आगे कौन कौन सी चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि आम लोगों की आकांक्षा इस पर बढ़ गई है, जैसे महागठबंधन ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, पलायन को मुद्दा बनाया और खास करके 10 लाख नौकरी की बात की, साथ ही साथ आपकी पार्टी ने उनके बदले में 19 लाख नौकरी रोजगार की बात की, तो क्या कैसी चुनौती होंगी उसको लेकर के? सबसे बड़ी बात है कि 15 साल में आज पलायन की बात हो रही है, तो मैं विपक्ष पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कांग्रेस के नेता उनके साथ महागठबंधन के नेता लोग हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि पलायन कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुआ पलायन का? यहाँ बड़े बड़े हमारे व्यापारी कहाँ पलायन कर रहे हैं, बिहार से क्यों पलायन हुआ? तो ये पलायन की बात जो करते हैं तो उन्हें खुद आत्म जो है भीतर से साफ करनी चाहिए कि बिहार में पलायन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक बढ़ा। आज अगर हम बात करें 2005 से 2020 तक, तो हमारा पलायन कम हुआ है और लोगों को जो 2015 से एक विश्वास उठा है हमारे एनडीए की सरकार से, और वही विश्वास का कारण है कि आज सातवीं बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और जो ग्रहण किए हैं, तो हमने विकास आज दिखाई पड़ रहा है। आप सभी लोग हैं, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि जहाँ 10 लाख नौकरी की, तो हम लोगों ने तो उसके लगभग उसके अनुसार नौकरी दे चुके हैं। आप देखिए, चाहे शिक्षक की हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका की हो, चाहे आशा बहन हो, चाहे आपके बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर हमने काम दिया है। और काम का मतलब ये है कि काम के साथ साथ अगर रोजगार हमने दिया है, अब बहुत सारी हमारी योजनाएं चलती हैं यहाँ बिहार की, जिसमें आप देखे होंगे कि हमने जो लगन देते हैं बहुत कम पैसे पर, हम अनुसूचित जाति के पिछड़ा को, पिछड़ा को, सामान्य वर्ग को हम जो देते हैं कि आप साइकिल लीजिए, रिक्शा लीजिए, आप ऑटो रिक्शा लीजिए, ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है मार्केट और रोजगार का है। और हम जो सपना देखते हैं बिहार में, एक सिर्फ नौकरी ही नहीं होती है, हमारे बच्चे आज देश में आप देखे होंगे तो बिहार के ही बच्चे जो आईटी सेक्टर में है आज विश्व में डंका पीट रहे हैं। तो क्यों बिहार में नहीं आ रहे थे, आज सब आना शुरू कर दी, आज एकदम आत्मनिर्भर अब खड़ा होने जा रहा है। मैं आपको मैं बताऊं, मैं जिस शहर से आती हूँ बेतिया, आज हमारे जो प्रवासी भाई थे जो बॉम्बे में रहते थे, आज हमारे यहाँ ऐसी कपड़े बन रही हैं जो बॉम्बे का मॉडल होता है और वहाँ सारी कपड़ा अभी बन रही है। हमारे ईद के जो अभी जो हम 7 निश्चय में अभी जो लग रहे हैं, उसकी सारी फैक्ट्रियाँ अभी लगी है जिसमें 20-25 लोग रोजगार अपना करते हैं और उसे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो रोजगार का जो सृजन है, आज पहले हम पूछना चाहते हैं 15 साल महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें कितने ITI थे, कितने उसमें पॉलिटेक्निक थे, कितने उसमें जो है जो हमारे टेक्निकल हाथ का जो है उसमें कितने नर्सिंग ट्रेनिंग थे, कितने इस तरह का काम था कि जिसमें हमारे लोग जा सके, हमारे बच्चे पढ़ सके। तो आज जो हर जिले में एक ITI है, एक हमारा पॉलिटेक्निक हो रहा है, एक हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है और ज़्यादातर हमारे जो अभी 7-8 जो मेडिकल कॉलेज हुए हैं, जिससे हमारा विकास तो इसी से हो रहा है। और विकास में ये सब भी एक कारण है कि सारे नौकरियां भी उसमें आएंगी और बच्चे पढ़ने भी जाएंगे, उससे भी रोजगार का सृजन होगा। और ऐसे भी हमारे यहाँ जो खाली जगह है निश्चित उसका भरने का भी काम करेंगे। तो हम फोकस नहीं करते हैं, हम काम करते हैं और एनडीए सरकार काम करती है, इसलिए हम लोगों को पूर्ण है कि हम काम करके और जनता ने दिखाया कि भैया आपके साथ हम नहीं, हम एनडीए के साथ रहेंगे। पहली बार उप मुख्यमंत्री पर किसी महिला को पदस्थापित किया गया है, उसको लेकर की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी आपकी? देखिए, हम चुनौती स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो चुनौती स्वीकार करता है और कभी भी, क्योंकि वो कार्यकर्ता होता है, उसके मन में सेवा का भाव होता है, उसके मन में काम करने की शक्ति होती है, तो जिसके मन में सेवा और काम करने की शक्ति, उसे कोई चुनौती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम।